मैं एक चीज सबसे बड़ी आपको बोलता हूँ, ये सबसे बड़ी साइंस की उपलब्धि हुई है, ये क्या एक दिन के मेहनत से हुई नहीं। ये HIV में और इबोला में, ये वायरल जो प्लेटफॉर्म्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वैक्सीन डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पहले से बनाए वाले थे। उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके ये जो विषाणु के खिलाफ जो वैक्सीन बनी है वो बना पाए हैं। अब सबसे बड़ी बात हमको एक समझना है, ये तो खुशी है जल्दी साइंस ने उसके खिलाफ वैक्सीन भी डेवलप करी, लेकिन हमको उसके ट्रायल्स भी होना जरूरी था। आप अगर ऐसे देखें तो एनिमल ट्रायल्स से लेके जाके लैब में से तो हुए ही थे, एनिमल ट्रायल्स भी हुए हैं और उसके बाद में ये इंसानों में ट्रायल्स लिए गए। अब ये कोई नई चीज नहीं है कि एक्सेलरेटेड ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें आप इबोला में देखे हैं, इबोला में भी जो वैक्सीन बनी वो तो फास्ट ट्रैक अप्रूवल मोड में ही बनी थी। तो ये चीजें कि ये लोगों को बेनिफिट देखते हुए जल्द से जल्द वो ट्रायल्स करने के लिए जितना हम फ्लेक्सिबिलिटी साइंस में अलाउ कर सकते हैं वो दी जाती है और वो इनको मिली है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक साल में वैक्सीन बन गई यानी कुछ गलती हो गई होगी। हमको ये समझना है, हम उस जमाने से आए हैं जिस जमाने में हम कई कबार सोचते थे कि फोन लगाना है तो लैंडलाइन से ही लगाना पड़ेगा, मोबाइल हाथ में ले पाएंगे, वीडियो कॉल ले कर 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 पाएंगे। ये उसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो वो तो बहुत ही कम था जब हमने हाथ में मोबाइल लेके फिरना शुरू कर दिया और वीडियो कॉल भी होना शुरू हो गए। तो बोलने का मकसद क्या है, एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस, एज साइंस प्रोग्रेसेस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिक प्रोडक्ट्स ये होता ही है, उस पर भरोसा रखें। आप हर चीज को अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा आउटब्रेक अगर सारे लोगों को, अगर हमको इन्फेक्शन अगर होने तक हमको रुकना है तो वो शायद हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है।